हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं ए टू जेड आसाम। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा हॉनर 9 लाइट और वीवो V9 के बीच कैमरा कंपैरिजन। तो दोनों ही फोन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही लगभग ठीक ठाक क्वालिटी में फोटोज देते हैं। फिर भी वीवो V9 का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, कैमरा भी हॉनर 9 लाइट से ज्यादा है। तो देखते हैं दोनों फोन के बीच जो कैमरा क्वालिटी है, कितना अंतर है दोनों फोन्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और भी इसी तरीके टेक वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं इन दोनों ही डिवाइसेस से पिक्चर्स के। तो आप देख सकते हैं दोनों डिवाइस के पिक्चर्स में कितना ऑपोजिट कलर है। आप देख सकते हैं हॉनर 9 लाइट में जो कलर है बहुत ही कम है और वीवो V9 में बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। मैंने बोके मोड से लेकर पोर्ट्रेट मोड तक का पिक्चर्स क्लिक किया है, दोनों ही डिवाइस में बहुत ही अच्छा क्लिक हो रहा है। वीवो V9 में अब तक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। अब देखिए कुछ वीडियोस, ये देखिए मैंने बैक कैमरा से वीडियो लिया है, जबकि हॉनर 9 लाइट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है वीडियो के मामले में, और V9 में कुछ कलर डल है और कुछ लाइट कलर टाइप आ रहा है। और अब देखिए मैंने फ्रंट कैमरा से भी वीडियो शूट किया है, तो फ्रंट कैमरा दोनों ही डिवाइसेस के सेम है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आप मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को लिए अगर वीडियो शूट करना है तो दोनों ही डिवाइस अच्छा है वीडियो के लिए और कैमरा के लिए। पैसे के हिसाब से सब ठीक ठाक है। नहीं दोस्तों, मैंने दोनों ही फ़ोन की कैमरा रिव्यू आप लोगों के सामने रखा है, दोनों फ़ोन की कैमरा आपको कंपेयर करके दिखाया। अभी आपने खुद फोटोज और वीडियोस देख चुके हैं आप लोगों ने, तो आप लोगों को शायद समझ आ चुका है कि कौन सा फ़ोन अच्छा परफॉर्मेंस करता है और कौन सा फ़ोन बुरा। या मेरे ख्याल से दोनों फ़ोन अच्छा ही है, क्योंकि दोनों फ़ोन में एवरेज जो मनी है वो उसके मुकाबले दोनों फ़ोन में जो कैमरा दिया गया बहुत ही अच्छा दिया गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।